ये देखिए, अगर आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा पता नहीं मुझे, बहरहाल ये पता नहीं क्या हुआ मैं। तो हंस क्यों रही हो, सीरियस होके कहो यही बात। Assalamualaikum, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद अनदर अमेजिंग वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? हमारी लाइफ में ये चल रहा है, मेरा बच्चा झूले ले रहा है और वो मैं आपको दिखा रही थी वीडियो के स्टार्ट में। पता नहीं वहाँ क्या हुआ है, धुआं निकल रहा है। ये देखिए, पूरब कह रही है ये बादल है, बट ये बादल नहीं है, मैं बादल कहने लगी थी लेकिन ये ना बादल नहीं है, अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं। जी ये शाम का व्यू और इसके पीछे है क्या है, अभी इसके पीछे शाम है। यस, और ये हमारे प्लांट्स हैं, हमारे जो ग्रीन तरपाल थी हमने वो उतार दी हुई है, क्योंकि अभी गर्मी है, अभी मौसम इतना कोई खास अच्छा नहीं हुआ, लेकिन है कोई बात नहीं। तो क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? आज मेरे पास इतना कुछ हाँ नहीं आपके साथ शेयर करने के लिए। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक रेसिपी जो मैंने बनाई है, और फिर वो रेसिपी मैंने सबको खिलाई थी और किसी को पता ही नहीं चला वो था क्या। बहुत मज़े की रेसिपी थी। अच्छा, मैंने बनाया क्या था, मैंने भिंडी फ्राई बनाई थी। मेरे जितने भी इंडियन फॉलोअर्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सब की फेमस रेसिपी है भिंडी फ्राई, लोग बहुत खाते हैं। हम पाकिस्तान में इतने ज़्यादा नहीं खाते, जो लोग खाते हैं वो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग क्या, आप लोगों को पसंद है ये, आप लोग शौक से खाते हैं, कौन कौन बनाता है, कौन कौन नहीं बनाता। मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम बनाई है, मेरी मामा जो है ना वो बनाती होती थी कभी कभी जब वो ठीक थी। तो वेल, यही आज का था नॉर्मल व्लॉग, और तो कुछ खास नहीं था। आप बताएं, टेंशन सी हो रही है कि अल्लाह हेयर करे, क्योंकि धुआं बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, पता नहीं वहाँ हुआ क्या होगा। अब ये जो है ना शाम को पता चलेगा, ये कल पता चलेगा जब सब मर्द हजरात हमारे घर के वापस आएंगे और वो फिर आके हमें बताएंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अच्छा, और वो बड़ी भैया हमारी तरपाल, मैं कहूँगी शहजाद से कि फिर से लगा दें। पूरब यहाँ एंजॉय कर रही है, अलाया सोई भी है, और उसकी जो उस दिन बारिश हुई थी ना इतनी ज्यादा तूफानी बारिश, उसका पानी अभी तक खड़ा है, अभी तक ये पानी जो है ना यहाँ खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रॉग्स रहते हैं, इसलिए पानी खत्म नहीं होगा। अम्मा, जी आप लोग कुछ लास्ट वाला पानी उधर का तो बहुत इतना ज्यादा है, वो तो खत्म ही नहीं होना चाहिए। ओहो अम्मा जी, लेकिन उस तरफ का पानी देखिए, वो तो दम दम बन गया है। क्या बन गया है? दल 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 बन गया है, दम दम जो भी आता है ना डूब ही जाता है। उसमें जो जाता है डूब जाता है, उसमें तो ज्यादा फॉक्स होने देंगे। ये इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली है? क्योंकि उस वाला पानी भी बहुत ही ज्यादा वाला है, उधर का पानी बहुत ही ज्यादा वाला है। पहाड़ का पानी तो, पहाड़ में तो इतने ज्यादा बड़े बड़े मेंढक थे ना, बड़े अच्छा? बड़े फॉक्स है। अच्छा, लेकिन वो वाला पानी तो खत्म ही हो गया सारे, वो वाला पानी खत्म हो गया है। ये वाला पानी अभी छूट गया। अब आप चाहती क्या हो, ये पानी ड्राई हो जाए या ना हो? हो जाए। मेरी बेटी जो है ना ये है एनिमल लवर, इसको बहुत ज्यादा पसंद है एनिमल, बहुत ही ज्यादा, इसलिए फ्रॉग्स पता नहीं क्या क्या इसकी पसंद है, मैं बता भी नहीं पा रही कि इसको क्या क्या पसंद है। तो खैर, इसको जो है ना बड़ी फिक्र रहती है, ये और इसके चाचू जो है ना बस यही देखते रहते हैं कि कहाँ फ्रॉग्स हैं, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। आपने हुरब अलाया का भी ख्याल रखना है कि अलाया जो है ना उठ के रोए नहीं, उठे वो सो रही है, हम टेरेस पे बैठे हुए हैं और वो रूम में सोई हुई है। ये शोर कर रही थी तो इसको लेके मैं टेरेस पे आई, मैंने कहा चले आपके साथ थोड़ी सी गपशप लगाते हैं और आपको अपनी रेसिपी दिखाते हैं। जी बेटे, हम अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ के वीडियो बाल। अच्छा, मैं व्लॉगर बनू ना बनू ये जरूर बनेगी इंशाल्लाह फ्यूचर में, क्योंकि इसको मुझसे ज्यादा क्रेज है व्लॉगिंग का, और ये जब कभी मूड में हो ना माशाल्लाह इतना प्यारा बोलती है, इतनी अच्छी बातें करती है ना ये, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है इसके मूड पे, मूड नहीं है तो फिर नहीं इसने बोला। जी है ना हुरब, ओए हुरब तो इतनी अच्छी स्विंग लेती है गाइस को दिखाने के लिए। हुरब आप गाइस को और क्या कहना चाहोगी? जी मैं कहना चाहूंगी मेरे पापा हर वक्त स्विंग को नीचे नहीं लगाते। स्विंग को नीचे नहीं लगाते, कहाँ पर? नीचे नीचे, बाबा की गाड़ी खड़ी होती है ना, तो फिर गाड़ी कहाँ जाएगी? मम्मा जी पापा को बाहर निकाल लें सिर्फ आपके स्विंग के लिए।
चलो ये भी होता है बाबा, गाड़ी बाहर निकाल लें लेकिन स्विंग नीचे लगनी चाहिए गैराज में हमारी। तो यहाँ पे स्विंग आपको क्या कहती है? यहाँ भी तो अच्छी, देखो इतना मजा आ रहा है आपको टेरेस में स्विंग लेते हुए। अच्छा, ओ बहुत ही गंभीर किस्म का मसला है मेरी बेटी का कि यहाँ पे उसको जो है ना पौधे लग जाते हैं टक टक करके, इसलिए उसको नीचे जो है ना नीचे लगानी है। ये हमारी छोटी सी गपशप। तो खैर आप चले चल के देखें हमारी रेसिपी और भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ये वाली रेसिपी। ठीक है, मुझे लाजमी बताना है और मेरे ना ब्लॉग्स देखना शुरू कर दें आप लोग, मेरे ब्लॉग्स भी देखो। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, मैं गाय से बात कर रही थी। ये आपने क्या किया? वो हमारे ब्लॉग्स नहीं देखते, मैं उनको कह रही थी हमारे ब्लॉग्स देखा करें। आप कहिए उन्हें, शायद आपकी बात सुन लें। आप कहिए ना जरा, हमारा टैलेंट ऑफ हो जाएगा, हमारी टैलेंट को टाइप करे और टैलेंट को अलग लाइक करे, हमारा शेयर टाइप हो जाए और हमारा वीडियो देख ले। हाँ शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, इतने सब्सक्राइबर बनते जा रहे हैं, व्लॉग देखते नहीं हैं आप? ये तो मुझे भी याद नहीं था कि ये लाइन बोलनी है। तो यहाँ भिंडी लेकर इसको मैंने नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा जो है ना इसमें मैंने बेसन डाल के इसको मैरिनेट कर लिया था। भिंडी मैं बनाने लगी थी, मैंने बस थोड़ी सी लेकर ये बनाई रेसिपी, मैंने कहा पता नहीं कोई खाएगा नहीं खाएगा, इसलिए मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लेके जो है ना इसको ट्राई करने लगी थी। बनाने के बाद ना मुझे तो बहुत यम्मी लगी थी, मैंने शिदात को ट्राई कराई, उन्हें भी अच्छी लगी। उसका क्लिप नहीं ले सकी मैं क्योंकि कमरे में अंधेरा था, अलाया सोई भी थी। फिर मैंने नीचे लेकर आई अम्मी के पास, अम्मी सो रही थी तो हमें मिल गए चाचू, हमने उनको ट्राई कराई, उन्हें भी अच्छी लगी थी। तो आपने अगर ये रेसिपी ट्राई करनी हो तो आप ज्यादा बनाइए क्योंकि ये इतनी क्रिस्पी और इतनी यम्मी बनती है कि आपको फील ही नहीं होता भिंडी खा रहे हो। और जो लोग नहीं खाते ना आप उनको भी खिला सकते हो। और ये शिदात को भी पहले समझ ही नहीं आया मैं क्या खा रहा हूँ, मैंने उन्हें बार बार पूछा, उन्हें पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने उन्हें बताया ये भिंडी कहते लग नहीं रही, फ्राइज लग रही है। और यही बात जो है ना हुरब के चाचू ने भी की, उन्हें भी बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये क्या था। मैंने इसको इसके बाद फ्राई कर लिया, फ्राई करके टिश्यू में निकाल लिया ताकि थोड़ा ऑयल कम हो जाए। तो उसके बाद जो है ना आप इसको जो है केचप के साथ, किसी भी सॉस के साथ, दही के साथ, रायते के साथ, जिसके साथ आपका दिल करे इसको खाएं और एंजॉय करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। जो लोग खाते हैं उन्हें तो पता ही होगा ये रेसिपी मजे की है। जो बाकी भिंडिया मैं जिसके एक्चुअली में हंडिया मैं बना रही थी, फिर मैंने वो बनाई है। ये निकालने के बाद मैंने कहा मैं खाना बना लेती हूँ इससे पहले कि लेट हो जाए, क्योंकि ये मुझे ऐसे ही खुराफाती आइडिया मेरे दिमाग में एकदम बैठे बैठे आया। और ये देखिए बनने के बाद ऐसी लग रही थी, अच्छी लग रही है ना देखने में, पता नहीं आपको अच्छी लग रही है या नहीं, मुझे तो बहुत मजे की लग रही थी। अच्छा वीडियो में देख के अभी भी बहुत मजे की लग रही है, फिर किसी दिन ये रेसिपी जरूर ट्राई करूंगी मैं। ये हम चाचू के पास लाए हैं, पहले टेस्ट करके बताओ कैसा है। केचप के साथ खाओ, केचप के साथ। कैसी बनी है? सच्ची में अच्छी है। पूरब तो बहुत शौक से खा रही है, अम्मी को टेस्ट कराने आई थी मैं। फैसल सच सच बताओ, अच्छा है? ये पता क्या है? ये भिंडी है। ये भिंडी फ्राई की है मैंने, कुरकुरी भिंडी बनाई है, सच में अच्छी बनी है। कैसे लग रहा है फ्राई? हुरब आप बताओ आपको कैसी लगी? हुरब तो बहुत शौक से खा रही है। बीच पे जाया करोगे ब्लॉग बनाने के लिए, सब्सक्राइबर्स को दिखाने के लिए? अच्छा आप सामने तो हो ना, बार बार पीछे चली जाती हो, सब्सक्राइबर्स को नजर ही नहीं आती, सामने रहा करो मेरे जी। आपके फ्रेंड्स किधर गए आज? आपके फ्रेंड, और देखो हमारा ये वाला बेचारा सूख ही गया पौधा और इन पे फ्लावर्स नहीं लगे हुए। ये छोटा सा फ्लावर एक उग रहा है, छोटू सा, ये देखिए, लेकिन है क्यूट, बहुत ही क्यूट है छोटा सा। हाँ जी जी दिखाएं आप हमें और फ्लावर्स। ये डे में बेटा बनते हैं, देखिए हमारे लेमन पे माशाल्लाह कितने ज्यादा फ्लावर्स लगे हुए हैं। आई होप अच्छा बेटा मेरी अच्छी धूप आ रही है। खैर इसके साथ ही आज का व्लॉग करते हैं यहीं एंड, आपसे मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ, नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।